हेलो स्टूडेंट, आज हम वो है कॉलम वाशिंग का। हमने एक C18 कॉलम लिया है और फर्दर एनालिसिस करने से पहले हम कॉलम को वाश करते हैं। तो वाश करने का जो प्रोसीजर है वो मेथड सेट किया है और प्रेजेंट टाइम में कॉलम वाश पर लगा रखा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज। तो जो आपके सामने जो SPLC इंस्ट्रूमेंट है वो उसके अंदर मोबाइल फेस की 4 लाइन्स हैं, जिसमें मैंने B और C लाइन्स के अंदर 2 अलग अलग सॉल्वेंट लगा रखे हैं। ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन, चौथी लाइन यहाँ पर है। ये 4 लाइन्स हैं जिसमें बी और सी जो लाइन है मोबाइल फेस की, उसको मैंने यूज में ले रखा है। बी और सी लाइन के अंदर मैंने मोबाइल फेस में एक बोतल में मोबाइल फेस के में एक में 100% मेथनॉल ले रखा है, एक में 100% एसीटोनाइट्राइल ले रखा है। अब पहला स्टेप है, इसके बाद में इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें डिगेसर होता है। इसके अंदर ये डिगेसर है, इसके बाद में अंदर के साइड यहाँ पर है आपका जो सैंपल की आप सैंपल का जो बोटल्स हैं, सैंपल का जो वायल्स हैं, सैंपल वायल्स जिसे बोलते हैं, सैंपल वायल्स रखते हैं। तो अभी हमने केवल कॉलम वाशिंग की बात कर रहे हैं। तो सैंपल वायल्स चैम्बर है, सैंपल वायल चैम्बर 1 और सैंपल रैक नंबर 2, रैक नंबर 1 और रैक नंबर 2। ये आपके डायरेक्टली पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहेगा। इस पे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिस पर आपका कंप्लीट डाटा जो होता है, आप जो मेथड सेट करते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। नॉर्मली जो कॉलम चैम्बर है वो नीचे है, ये कॉलम चैम्बर है, इसमें हमने C18 कॉलम लगा रखा है। ये इनलेट है, ये आउटलेट है, आपको देखना होता है कि इनलेट आउटलेट को और उसके बाद में आपको इसको कॉलम को यहाँ पर लगा देना है। लगा देने के बाद में नीचे का जो पार्ट है वो डिटेक्टर का पार्ट है, दैट इज अ पंप एंड डिटेक्टर। ये पर्ज वाल्व है और इसके बाद में ये आपका पंप्स हैं जो 10 ml के पंप लगे हुए हैं और देन अंदर ही फिटेड है इसका डिटेक्टर और लैंप्स जो हैं वो अंदर इसके अंदर फिटेड होते हैं। तो आपको केवल पर्जवाल को ध्यान रखना है, पर्जवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जब भी आप मोबाइल फेस रन करेंगे तो आप सबसे पहले पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग करने के बाद में कोई भी पर्जिंग का मेन मोटो होता है कि कोई भी आपके जो मोबाइल फेस लाइन है उसमें कोई बबल्स है या एयर है उसको वो रिमूव कर देता है और आपका प्रॉपरली वर्किंग करने में HPLC वर्किंग करने में हेल्प करता है। ये 10 ml के पंप्स हैं, यहाँ पर एक पंप है। अब इसके अंदर आपको हमने जो चला रखा है वो ग्रेडियंट मोड चला रखा है या आइसोकेट्रिक मोड चला रखा है। हमने अभी चला रखा है बी और सी। हम पहले इसकी बात कर लें कि जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट पर है वो जो स्क्रीन है उसमें कौन कौन से डाटा होते हैं। मोस्टली इसके अंदर स्क्रीन पर आपने दिखाई दे रहा होगा बी और सी जो लाइंस हैं मोबाइल फेस के लाइन हैं, उनमें हमने 50-50 रेशियो के अंदर ग्रेडियंट मोड में चलाया है। 0.2 ml इसका फ्लो रेट है, प्रेशर जो आ रहा है 3.5 प्रेशर है इसका, 280 nm पर इसका एब्जॉर्बेंस देखा जा रहा है। कुल मिला के हम अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल वाशिंग की बात कर रहे हैं, कॉलम की वाशिंग की बात कर रहे हैं। कॉलम वाश करने के बाद में हम सैंपल एनालाइज करेंगे। तो ये हमने डाटा फिट किया है, इसके अंदर मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल से हम इसका प्रॉपरली 20 वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम उसको वाशिंग दे रहे हैं। तो आपको नॉर्मली जो है ये आप डाटा फिट करने के बाद में कंप्लीट जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहेगा। इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये LC रेडी जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपका कॉलम जो है वो वाश पे लगा हुआ है। इसके नीचे जो डाटा है वो आप देखिए, इसके अंदर नॉर्मल और एडवांस मोड होते हैं। ये नॉर्मल मोड हो गया, ये एडवांस मोड हो गया। नॉर्मल मोड के अंदर हमने टोटल फ्लो रेट रखा है 0.2 ml, जो कि आपको उसकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। बी जो पंप बी मतलब बी लाइन के अंदर आपका 50% रेशियो के अंदर मिथेनॉल है, सी लाइन में 50% रेशियो के अंदर आपका एसीटोनाइट्राइल है। 280 nm पर आपका हमने वेवलेंथ सेट किया है और इसका 15 मिनट हमने इसको दिया है, 15 मिनट का रन टाइम दिया है। 15 मिनट के बाद में आपका जो ये लाइन दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये इसका बेस लाइन है, अर्थात इसमें कोई भी पीक अगर शो करता है, इम्प्योरिटीज अगर शो होती है कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर आपको पीक शो करेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो जीरो एब्जॉर्बेंस से है, जीरो एब्जॉर्बेंस दिखा रहा है नॉर्मली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कॉलम है उसमें इम्प्योरिटीज इनिशियलाइज, जूम करेंगे तो आपका जीरो पे, ये नॉर्मली जीरो पे स्ट्रेट लाइन है।
ये इसका मींस है इसमें कॉलम के अंदर कोई इम्प्यूरिटी अभी तक नहीं है। इसको 15 मीटर रन करने के बाद में हम वापस इसको 100% मेथनॉल रन करेंगे सिंगल आइसोकेट्रिक मोड में। आप देखिए आइसोकेट्रिक और जो आपका जो मोड होता है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मोड चला रखा हमने, यहाँ पर आइसोकेट्रिक फ्लो है और ग्रेडियंट फ्लो है, हमने अभी ग्रेडियंट चला रखा है। उसके बाद में आइसोकेट्रिक चलाएंगे, आइसोकेट्रिक में मेथनॉल और 70-30 रेशियो कर हम कर करके उसके बाद में फिर आप इसको रन करेंगे। देन इसको देखेंगे कि आपका ये सिंपल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आती है नहीं आती है। देन उसके बाद में हम सैंपल एनालिसिस पे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने बताया कि आपको नॉर्मली हमने लगा दिया बाद में, परंतु क्या है आज की वीडियो में इतना बताया कि इंस्ट्रूमेंट में पहले आपको कॉलम वॉशिंग पे कैसे लगाया जाता है और कैसे कैसे डाटा यहाँ पर फिट किए जाते हैं ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट मोड के अंदर। आप फ्लो रेट भी चेंज कर सकते हैं 0.2 से लेकर के 1 ml तक आप फ्लो रेट चेंज कर। 0.2 इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जब आप वॉशिंग देते हैं तो आपको कम से कम फ्लो रेट वहाँ पर रखना होता है। फ्लो रेट अगर आप जितना कम रखेंगे उतना आपको कॉलम वॉशिंग में जल्दी कॉलम वॉशिंग जल्दी होगा। अगर आप 1 ml रखेंगे तो कॉलम पे प्रेशर भी ज़्यादा, अगर मान लो कॉलम के अंदर ब्लॉकेज होता है तो कॉलम डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हरदम आप ये ध्यान रखिए कि जब आप कॉलम वॉशिंग पे लगाएं तो आपका फ्लो रेट 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 के आसपास होना चाहिए। देन उसके बाद में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट बेस लाइन जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर स्ट्रेट बेस लाइन मिलता है तो आप इसको 1 ml फ्लो रेट लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर पीक मिलता है एरर्स, अगर आपको कई अनवांटेड पीक मिलते हैं तो आप 0.1 पे ही आपका 20 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम आप उसका रेशियो चेंज कीजिए। ग्रेडियंट मोड में 70-30 का कर दीजिए, 80-20 का कर दीजिए, फिर 80 आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है आप इसको कॉलम को वॉशिंग करेंगे 20 वॉल्यूम सॉल्वेंट के द्वारा। इस प्रकार क्या है कि हम HPLC में आज हमने इस वीडियो में केवल कॉलम वॉशिंग की बात की। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। जब सैंपल एनालिसिस करेंगे तब भी आपको हम बताएंगे कि सैंपल कैसे इंजेक्ट करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड किया जाता है, सॉफ्टवेयर के सिस्टम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर से कैसे डाटा फिट किया जाता है, मेथड डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, मेथड वैलिडेशन कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।